हेलो गाइस, तो एक बार फिर मैं अर्जुन आपका हनुवंती क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशतता, सही है, परसेंटेज। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी है अगर परसेंट के रूप में, तो हमेशा परिमेय संख्या रूप में कहलाएगी, सही है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रतिशत वाली संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक प्रतिशत वाली संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा कि 5%, सही है, इसका मतलब है कि 5% होता है किसी भी संख्या बट्टे में 100 लगाना, यानी कि 5/100, इसका मतलब ही होता है परसेंट हटा के नीचे 100 का भाग लगाना, सही है। तो इससे काट देंगे तो 5 × 5, 5 से 100 कट के 20 बार, यानी हमने क्या लिखा है ऊपर, प्रत्येक प्रतिशत वाली संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी जितनी भी संख्या होंगी परसेंट में वो सारी की सारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आगे देखें, जैसे आगे देखना है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं। ठीक है ना, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। आगे प्रतिशत तथा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, सही ना। कहने का मतलब कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, तथा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा है 20% लिखा है जी, सही है। तो हमने पढ़ा है कि प्रतिशत को भिन्न में, यानी इसको हमें भिन्न में चेंज करना है, तो 100 से क्या लगाते हैं, इसमें भाग लगाना है, यानी कि 20% मतलब बट्टे में 100, 20 × 1 = 20 और 20 × 5 = 100, यानी कितना आ गया 1/5। अब इसी भिन्न को हमें चेंज करना है परसेंट में, किसमें, परसेंट में। तो क्या लिखा है, तथा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा। अब जैसे मान लो अब जी 1/5 भिन्न लिखा है और इसे मुझे परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से क्या कर दें, गुणा कर दो इसमें, तो 5 से कटे कितने बार जी, 20 बार, कितना आ गया 20%। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई भिन्न लिखी और उसको हमें परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से क्या करना है, गुणा, तथा परसेंट को हटाने के लिए 100 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। ठीक है ना, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है और नोट करें पहले से। आगे देखें, एक नोट पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी ध्यान दें। कोई भी वस्तु आदि स्वयं की 100% होती है, सही है। यानी जितनी भी कोई वस्तु होंगी वो सबकी सब अपने आप में 100% होती है पहले से ही, सही है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है कोई वस्तु आदि स्वयं की 100% होती है। जैसे मान लो हमने कोई वस्तु बेची 20% अधिक पर, यानी कि 100% तो पहले से होगी अपने आप में। जैसे हमने 20% अधिक पर बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई वस्तु 100 रुपये की होगी तो कितनी की बेच रहे हैं, अब 120 की, सही है। अगर कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 10%
कम में बेच रहा है, इसको मतलब क्या है, वो 100 रुपये की लाया होगा तो 90 की बेच रहा होगा, सही है। यानी कि अधिक होगा तो 100 में जोड़ना है और कम होगा तो 100 से क्या करना है, घटाना है। इसलिए हमने ऊपर लिखा है कोई वस्तु की 100 अपने आप में 100% होती है पहले से ही। यदि उसको बढ़ाकर बेच रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं तो उसमें 100 में ऐड कर दो, 10% घटा रहे हैं तो 100 में से क्या कर दें, माइनस कर दें, सही है। तो इतनी बात तुम्हें ध्यान रखनी है। आगे देखें, आगे हेडिंग डाल लें, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, सही है ना। यानी हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर अभी हमें कोई परसेंट चेंज करना नहीं आएगा तो हम उसको सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं परसेंट को भिन्न में बदलना, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो वो हमने अभी पढ़ा था कि परसेंट को भिन्न में बदलना हो तो 100 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, सही है ना। यानी जब भी परसेंट रहेंगे तो नीचे बट्टे में कितना लगाना है, 100 लगाना है। जैसे मान लो 1% लिखा है, अब इसको मुझे भिन्न में चेंज करना है तो क्या लिखना है, 1, और हमने अभी लिखा था परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। या ये समझ लो कि परसेंट होता है कि बट्टे में 100, सही है। तो इसको कितना लिखेंगे, 1/100। अब मान लो 2% चेंज करना है तो 2/100, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 1/50, ठीक है ना। 2 से काटना है, 2 से कट गया एक बार, और जी कितने और 50, और यानी कि 1/50। अब मान लो 3% लिखा है तो 3/100, अब ये तो कटेगा नहीं, 3 के बाद 100 तो कटते नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब मान लो 4% आ गया तो 4/100, सही है। तो 4 काट लो, 4 एकम 4, और 4 से 100 कट गया 2500, यानी कि 1/25, ठीक। 4 एकम 4 और 4 से 100 कितने और कट गई, 2500। आगे देखें, जैसे कि 5%, यानी कि 5/100, 5 से काट लो एक और, 5 से 100 कट गया 2000, यानी कि 1/20, ठीक। आगे जो इम्पोर्टेंट है वही लिख लेते हैं, ठीक। अब मान लो आ गया 10%, तो इसको लिख दें 10/100, 0 0 काट दो कितना आ गया, 1/10, ठीक। आगे 15%, तो 15/100, ठीक है, इसको भी काट लो, 5 से कट गए 3 बार, 5 से 100 काट दिए 20 बार, यानी कितना आ गया, 3/20। आगे 20% भी बहुत आता है, तो 20/100, यानी कि 20 एकम 20 और 20 5 100, 1/5। पहले इतनी नोट करें, आगे बीस के बाद एक 25 भी काफी आता है, तो 25/100, 2500 काट दो, 25 एकम 25 और 25 से 100 कितने कट गए, 4, यानी कि 1/4। आगे 30%, तो 30/100, 0 0 काट दो कितना आ गया, 3/10, ठीक। आगे 40%, तो 40/100 काट लो इसको, 40 को इससे काट दो, इसे 40 से 20 के बाड़े से 40 कट गया 2 बार, और जो कट गया 5 बार, यानी कि 2/5। आगे 50%, तो 50/100, यानी कि 1/2, सही ना। नोट करें सबको, आगे देखें। अब मान लो 100% आ गया, इसको मतलब 100/100, तो इसको कितना लिखेंगे, 1, क्योंकि 100 से 100 कट गया, सही है ना। अब कुछ फ्रैक्शन वाली होती है, उन्हें भी देख लें सही के रूप में, ये तो सारी पूर्णांक हैं। ठीक है, जैसे कि 9/11%, ठीक है। अब जो सारी इंपॉर्टेंट है जिनको मैं लिखा देता हूँ, और यही बार बार यूज होती हैं, सही है। अगर कोई आंसर भी आएगा तब भी यही आती है, 11/9 या 9/11, 16/2/3, जिनको मैं एक साथ लिखा देता हूँ, ठीक। तो इसका इसमें गुणा करेंगे पहले, तो 11 × 9 होता है 99, इसमें 1 ऐड करो तो कितना हो गया, 100, और बट्टे में 11 चल रहे तो उनको ऐसे ही लिख दें। अब परसेंट में होता है बट्टे में 100, काट दो इसे कितना आ गया, 1/11। आगे 11/9,
तो इसका इसमें गुणा करो तो 11 99 और 100 बट्टे में 9 और परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100, इसे काट दो कितना आगे 1 बट्टे 9। आगे 12 सही 1 बट्टे 2, तो 12 दूनी 24 और 1 25, बट्टे में कितना चल रहा है 2 और परसेंट मतलब बट्टे में 100, 25 से 100 काट दो 4 बार और 4 दूनी 8, ठीक है ना। आगे 14 सही 2 बट्टे 7, ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो 14 7 98 और 2 100 और बट्टे में 7 और परसेंट मतलब बट्टे में 100, कितना आगे 1 बट्टे 7, ठीक। आगे 16 सही 2 बट्टे 3, तो 16 थी 48 48 और 2 50 बट्टे में 3 और परसेंट मतलब बट्टे में 100, 50 से 100 काट दो 2 बार और 3 दूनी 6। आगे 33 सही 1 बट्टे 3, 33 थी 99 और 100 बट्टे में 3 और परसेंट मतलब बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 काट दो कितना 1 बट्टे 3, सही है। आगे 57 सही 1 बट्टे 7, ये भी नहीं है, तो इसको चेंज करें 77 49 और 1 50 की 0 हासिल 5, 7 5 35 और 5 40 और बट्टे में 7 और परसेंट मतलब बट्टे में 100, यानी कितनी आ गई 4 बट्टे 7, ठीक है। आगे 66 सही 2 बट्टे 3, तो इसका इसमें गुणा कर लो जो जाएगा 198 और 198 और 2 200 बट्टे में 3 और परसेंट मतलब बट्टे में 100, यानी कि 2 बट्टे 3, ठीक। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना फटाफट। आगे देखें, जैसे मान लो कोई लिखा है कि 105% लिखा है, सही है, और इसको हमें भिन्न चेंज करना है, तो हमें पता है कि 105 को हम लिख सकते हैं 100% प्लस के 5%, सही है। तो 100 की तो फ्रैक्शन हमें पता है कितनी होती है 1, और 5 की अभी हमने पढ़ी है 5 की होती है 1 बट्टे 20, ठीक। 100% की फ्रैक्शन हमने अभी पीछे पढ़ी है, 100% की होती है 1 और 5 की फ्रैक्शन होती है 1 बट्टे 20, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 एकम 20 20 और 1 21 बट्टे 20, ठीक है। ऐसे मान लो और क्वेश्चन आ गया कि 109 सही 1 बट्टे 11% को भिन्न के रूप में चेंज कीजिए, तो हम इसको कितना लिख देंगे 100% प्लस के 9 सही 1 बट्टे 11%, ठीक। अब 100% की फ्रैक्शन बताइए 1 होती है, और इसकी हमने पीछे पढ़ी थी 9 सही 1 बट्टे 11 की होती है 1 बट्टे 11, सॉल्व कर लो इसे, 11 एकम 11 11 और 1 12 बट्टे में 11, ठीक है ना। और देखें आगे, जैसे मान लो अब आ गया 216 सही 2 बट्टे 3% को सरलतम रूप में लिखिए या भिन्न में चेंज कीजिए, सही है। तो 216 सही 2 बट्टे 3% लिखा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको लिख लेते हैं 200 प्लस के 16 सही 2 बट्टे 3%, यानी जिसमें हमें याद है उसमें ही तोड़ दें, जिसके हमें आसानी से पता भी है, तो 16 सही 2 बट्टे 3 की फ्रैक्शन हमें पता है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 200%, सही है ना। 200% प्लस के 16 सही 2 बट्टे 3%, तो 200 की फ्रैक्शन हो जाएगी 2, क्योंकि बट्टे में 100 आ जाएंगे, 2 0 2 0 कट गई। अब 16 सही 2 बट्टे 3 की फ्रैक्शन अभी हमने बढ़ी थी पीछे, कितनी होती है 1 बट्टे 6, सॉल्व कर दो 6 दूनी 12 और 1 13 बट्टे 6, सही है। और देख लें, जैसे मान लो आ गया अब क्वेश्चन 533 सही 1 बट्टे 3%, ठीक है ना। अब इसको चेंज करना है, हमें 33 सही 1 बट्टे 3% की याद है, तो इसको लिख दें 500% प्लस के 33 सही 1 बट्टे 3%, ठीक। अब 500 की तो हो जाएगी 5, क्योंकि बट्टे में 2 0 आएंगे, 2 0 2 0 कट जाएंगे, प्लस
33 से 1 बट्टे 3 की फ्रैक्शन 1 बट्टे 3, तो 5 दिए 15 और 1 16 बट्टे 3, ठीक है ना। नोट करें, तो आगे देखें, अब तुमने पढ़ लिया प्रतिशत को भिन्न बदलना, अब पढ़ते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना, सही है। तो देखें, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक, यानी कि भिन्न को अभी हमने पढ़ा था परसेंट को भिन्न में पढ़ रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, सही है। जैसे मान लो कहीं लिखा है कि एक, इसको मैं चेंज करना परसेंट में, तो कितना हो जाएगा जी, सीधे सीधे 100 से गुणा कर दो, यानी कि हमने अभी पढ़ा था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, सही है ना, 100 से गुणा, हमने जो कि पीछे पढ़ रखा है फिर भी लिखना है तो लिख लो, 100 से गुणा करते हैं, सही है। अब मान लो 2% है और हमें 2 लिखा है भिन्न, क्योंकि भिन्न तो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक मान लो तो भिन्न ही मानी जाएगी ये। अब इसको मैं चेंज करना परसेंट में, तो 100 से क्या कर दें इसमें, गुणा कर दो, यानी कि 2 × 100 कितना आ जाएगा, 200%। ऐसी मान लो 3 लिखा है तो कितना हो गया, 300%, सही है। अब 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 400%, सही है। अब मान लो भिन्न भी देख लेते, ऐसे मान लो 1/5 लिखा है, तो 1/5 है तो इसमें कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर दो, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 5 से 100 काट दो 20 बार, यानी कितना आ गया जी, 20%, सही है। 1/6 अभी हमने पढ़ा था 16 से ही 2/3% होता है, फिर भी देखना चाहो देख लो, 1/6 और गुणा कर दो 100 से, अब 2 से काट दो, 2 से कट गया 3 बार, 2 से 100 कट गया 50 बार, सही है, यानी कि 50/3 हो गया। भाग लगा दो इसमें इसका, तो 3 × 3 दो बचा पीछे हो गए 20 और 3 × 18 यानी कि 16 से 2/3%, सही है। यानी जिस संख्या से भाग लगाते हैं वो तो नीचे रहती है, और जिससे भाग लगा है जो रिमाइंडर बचा शेषफल उसको कहाँ लिख देते हैं, ऊपर, सही है। तो 3 × 3 शेषफल बचा 2 पीछे हो गए 20 और 3 का पढ़ा से पढ़ना कि 20 से ज़्यादा ना चला जाए, तो 3 × 18 यानी कितना बचा शेषफल 2, जो शेषफल बचा उसको ऊपर लिख दें और जिससे भाग लगा रहे थे उसे कहाँ लिख दें, नीचे लिख दें, सही है। आगे देखें, जैसे मान लो 1/7, ठीक है ना, तो इसमें गुणा कर दो 1/7 और गुणा में 100, तो भाग लगा दो इसमें इसका, तो 7 का पाड़ा पढ़ना है, 7 × 7 पीछे हो गए 30 और 7 × 4 = 28 यानी कि 14 से ही 2/7, ठीक है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था 14 से ही 2/7 के भिन्न को चेंज किया था तो 1/7 आ रहा था, अब 1/7 को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 14 से ही 2/7। ऐसी 1/8 गुणा कर दो 100 से, तो 4 से काट लो, 4 से 100 कट गया 25 बार और 8 कट जाएंगे 4 से 2 बार, भाग लगा दो यानी कि 12 से 1/2%, ठीक। आगे 1/9, अब इसको चेंज करना है परसेंट में, तो 1/9 गुणा कर दो 100 से, भाग लगा दो, तो 9 × 9 1/6 पीछे को 10, 9 × 9 1/6 यानी 11 से 1/9%, सही है ना। ऐसे हम सारी चेंज कर देंगे, 1/3 होगा तो 33 से 1/3, 1/2 लिखा हुआ तो 50%, सही है ना, 1/4 होगा तो 25%, यानी जब भी भिन्न को चेंज करना हो तो 100 से गुणा करना है और इसको परसेंट में चेंज हो जाएगी वो, ठीक। आगे देखें, ये सारी इंपॉर्टेंट है और यही बार बार रिपीट होनी है, और आगे जितने भी चैप्टर है जिनमें परसेंट आता है, जैसे कि लाभानी पढ़ेंगे वहाँ भी तो इसका यूज होगा, डिस्काउंट पढ़ेंगे तब भी बट्टे में, साधारण ब्याज पढ़ेंगे वहाँ भी इसका यूज होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे वहाँ भी, सही है ना। तो आगे देखते हैं, अब तो देखते हैं आगे, अब टाइप डाल लेते हैं, तुलनाओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, यानी तुलनाओं पर आधारित प्रश्न या टाइप का नाम है। जैसे क्वेश्चन आता है 3-5 का कितने परसेंट होगा या 2-5 का कितने परसेंट होगा, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिस संख्या के पास से और का लगा होगा, सही ना, यानी जिस भी संख्या के पास से और का लगा होगा उसको हमेशा नीचे लिखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 3,5 का कितने
प्रतिशत होगा, सही है ना। यानी 3.5 का कितने प्रतिशत होगा, तो हमें देखना है जिस किसी भी संख्या के पास से और का लगा होगा उसको हमेशा नीचे लिखना है। या दूसरी बात हमें कहें कि जिससे तुलना कराई जाए, यानी जिससे हमें तुलना करानी है उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो 3.5 का, तो का किसके पास लगा है, 5 के पास, तो 5 तो आगे नीचे और 3 का जाएगा ऊपर। और हमें पीछे हमने पढ़ा है सबसे आगे कि जब भी परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर दो यहाँ पर, अब 5 से 100 काट दो 20 बार और 20 दिया 60%, सही है ना। यानी क्वेश्चन था 3.5 का कितने प्रतिशत होगा, तो ध्यान रखना जिसके पास से और का लगा हो उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, सही है। तो 5 का आएगा नीचे और 3 का जाएगा ऊपर। या दूसरी भाषा में कहें कि जिससे तुलना करानी हो, क्वेश्चन कह रहा है 3.5 का, यानी 3 की तुलना करानी है 5 से, तो 5 का आएगा नीचे और 3 का जाएगा ऊपर, सही ना। आगे देखें, जैसे क्वेश्चन है अब 4.5 का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है ना। 4.5 का कितने प्रतिशत होगा, तो 4/5 और परसेंट होने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा। तो 5 से 100 काट दो 20 बार और 20 चौक 80%, ठीक है ना, नोट करें। आगे देखें, जैसे क्वेश्चन आ गया 6.5 से कितने प्रतिशत अधिक है, सही है ना। यानी 6.5 से कितने प्रतिशत अधिक है, अगर ऐसे पूछता 6.5 का कितने प्रतिशत होगा तो 6/5 गुणा 100, लेकिन अब बोल रहा है कि 6.5 से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी जहाँ भी कम और अधिक लिखा होगा तो समझ लो हमेशा वहाँ अंतर लेना है, सही है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 6.5 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 6 जो 5 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। और तुम्हें ये नहीं देखना कि कौन किससे अधिक है, तुम्हें ये देखना कि यहाँ पर कम और अधिक लिखा है तो अंतर ले लें बस, ठीक है ना। तो 6 और 5 में कितने का अंतर, 1 का। अब जिसके पास से और का लगा होता है उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। यानी 6.5 से कितना अधिक है, तो कम अधिक के लिए तो अंतर ले लें, अंतर आ गया 1 का। और जितने का भी अंतर आएगा अंतर को हमेशा ऊपर रखना है, सही है। यानी तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन बोले कि पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है या कितनी कम है, तो उन संख्याओं को सदैव अंतर लेना है, और अंतर को सदैव कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। और आगे तो पता ही, जिसके पास से और का लगा हो उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो 6.5 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 1। कितने से 5 से और गुणा में 100, 5 से 100 काट दो 20 और, यानी कितना आंसर आ गया, 20%, सही है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 4.5 से कितने परसेंट कम है, 4.5 से कितने प्रतिशत कम है, सही है। तो हमें कुछ नहीं देखना कि कौन किससे कम है और कौन किससे ज़्यादा है, बस ये देख लें 4.5 से कितने परसेंट कम लिखा है ना, अंतर ले लो। कितने का अंतर आ गया, 1 का। कितने से, 5 से और गुणा में 100, काट दो इसे, कितना आंसर आ गया, 20%, ठीक है ना। आगे देखें, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 9.10 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर एक याद कर लें, यानी कि 11, यानी 11.10 से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी 11 वो 10 से कितने परसेंट अधिक है। अगर अधिक की बात करें तो अधिक तो 1 है, लेकिन परसेंट पूछ रहा है, तो किस 11 और 10 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने से, 10 से, और परसेंट होने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी कितना अधिक है, 10% अधिक है, ठीक है। आएंगे देखें, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 72 ग्राम, 3.6, 72 ग्राम जो है वो 3.6 किलोग्राम का
कितने प्रतिशत होगा, यानी कि 72 ग्राम जो है 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। तो 72 ग्राम, तो 72 का लिख दें ऊपर, 3.6 किलोग्राम का, तो इसको पास लगाया का, तो ये तो आगे नीचे 3.6। अब दोनों की जो यूनिट है यानी कि दोनों की जो मात्रा वो एक में होना चाहिए, या ग्राम लिखा और या किलोग्राम है, तो दोनों को एक ही में चेंज कर लें यूनिट में, सही है। अगर ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम में चेंज कर दें, तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम, सही है। और परसेंट होते निकले 100 से क्या करते हैं गुणा, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, 1 0 ऊपर चली जाएगी, 3 0 से 3 0 काट दो, 36 × 72 यानी कितना आ गया 2%, ठीक है, नोट करें। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो 36 मिनट, सही ना, एक दिन का किसके पास लगाए, एक दिन के पास, तो एक दिन लिख दें। अब जी तो 36 मिनट हैं और एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, लेकिन अभी तो एक घंटे ऊपर मिनट है, अब एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 से गुणा और कर दो, सही है। और परसेंट करने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा, तो 100 से गुणा कर दो, काट लो, 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36, 3 से काट दो जी 8 बार, 5 से इसको काट दो 20 बार, यानी कि 20/8, और काट लो 4 के पहाड़े से जी कट गया 2 बार, और 4 से कट गया 5 बार, यानी कि 5/2, 5 का आधा 2.5, यानी कि 2.5%, सही, यानी 36 मिनट जो होगा एक दिन का 2.5% होगा, ठीक है, नोट करें। देखें अगला क्वेश्चन है कि P, Q से 6 गुना बड़ा है, सही ना, यानी P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, इसका मतलब है अगर जी 1 साल का तो कितने का है जी 6 साल का है, सही ना, यानी P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, जहाँ भी गुना बड़ा लिखा है वहाँ बड़ा का कोई महत्व नहीं है। अगर यहाँ लिखो तो P Q से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि 6 वर्ष बड़ा है, तो इसको मानते हैं x और इसको मानते हैं x+6, लेकिन जहाँ भी 6 गुना यानी जहाँ भी गुना बड़ा लिखा है वहाँ गुना का सॉरी बड़ा का कोई महत्व नहीं है, सही है। कहने मतलब कि P जो है वो Q का 6 गुना है, यानी अगर ये 1 साल का तो कितने का है 6 साल का, अगर यहाँ लिखो तो P Q से 6 वर्ष अधिक बड़ा है, तो इसको मानते हैं x और इसको मानते हैं x+6, लेकिन यहाँ लिखा है P, Q से 6 गुना बड़ा है, तो ध्यान रखना जहाँ भी गुना और बड़ा लिखा हो, जहाँ भी गुना लिखा हो बड़ा का कोई महत्व नहीं है, इसका मतलब कि P जो हो Q का 6 गुना है। अब आगे लिखा है कि Q P से कितने प्रतिशत छोटा है, छोटा बोले कम बोले अधिक बोले, यानी जहाँ भी कम अधिक छोटा बड़ा लिखा हो समझ लो अंतर लेना है, तो Q P से यानी कि अंतर ले लो कितना छोटा, 6 और 5 में कितने का अंतर है 5 का, सही है। अब तुलना किससे करानी है, Q, P से तुलना करानी है P से, तो P कितना है 6 और गुणा में 100, 2 से काट दो 3 बार और 2 से कट गया 150 बार, यानी कि 250/3 भाग लगा दो, 3 × 8 = 24 कितना बचा 1, पीछे हो गया 10 और 3 × 9 1 बचा यानी 83, सही, 1/3%, ठीक है ना, यानी जितने सवाल आ रहे उसे तो नीचे लिख दें और जो बचा ऊपर लिख दें उसको, यानी आंसर आ गया 83, सही, 1/3%, नोट करें। आगे देखें अगला क्वेश्चन है कि x, y से 5 गुना लंबा है, कहने मतलब x जो है वो y से 5 गुना लंबा है, कौन x है 5 गुना लंबा y से, इसको मान लो 1 और इसको कितना मान लें 5, आगे लिखा है y, x से कितने प्रतिशत कम है, फिर आ गया ना कम और अधिक लिखा हो तो क्या लेना है अंतर, यानी अंतर आ गया 4 का, और y, x से किसके पास लगा है x के पास, तो x कितना है 5 और बड़ा में कितना लगा दें 100, 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि परसेंट बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, 5 से 100 काट दो 20 बार और 20 × 80%, ठीक है ना। तो देखें अगला क्वेश्चन है कि कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत इसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि स्वर देखना है और क्या देखना है व्यंजन, तो कॉन्सोनेंट
ठीक है। तो एक तरफ क्या लिख लें, वॉवल, और एक तरफ कॉन्सोनेंट, सही ना। तो वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, एक तो जी आ गया, और एक दो और एक तीन, यानी वॉवल कितनी है, तीन। अब टोटल कितने अक्षर है इसमें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ में से तीन तो वॉवल हो गए, तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे, छः। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या जो है, स्वर मतलब वॉवल, स्वरों की संख्या का परसेंटेज में व्यंजनों की संख्या के, व्यंजनों के लिए कॉन्सोनेंट सही ना, कितने परसेंट कम है। तो वॉवल कितने हैं, तीन, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, छः। कम अधिक के लिए क्या लेते हैं, अंतर, तो अंतर आ गया तीन का। अब तुलना किससे करानी है, व्यंजनों की संख्या के, यानी व्यंजन को नीचे लिखना है, तो व्यंजन कितने हैं, छः, और गुणा में सौ, इससे काट दो दो बार, और सौ काट दो दो से, पचास, तो आंसर कितना आ गया, 50%, ठीक है ना। नोट करें, आगे देखें, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती, सही है ना। तो फोटोग्राफ फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर क्या लिखना है, एफ लिखना है, सही है। यानी जहाँ भी पी एच लिखा है वहाँ क्या लिखना है, एफ लिखना है। तो देखना है कि अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पहले कितने अक्षर हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यानी पहले टोटल अक्षर कितने हैं, दस। अब ये पूरा एक हो गया एफ, यहाँ भी कितना लिखना है, एफ। अब कितने अक्षर हो रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, यानी पहले अक्षर थे दस, अब कितने अक्षर हो गए, आठ। तो क्वेश्चन बोला कि अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हो गई, यानी पहले दस थे अब आठ हो गए, तो कितने कम हो गए, दो, सही ना। कितने से कम हो गए, दस से, और गुणा में सौ, जीरो जीरो काट दो, तो आंसर कितना आ गया, 20% आ गया, सही ना। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ जितना पढ़ाएगा वो सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।